हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लास और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन टुडेज लाइफ। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए। स्पेशली दिल्ली हाई कोर्ट JJ एग्जाम के लिए आप इसको तैयार कर सकते हो, और इसकी कम्प्लीट प्लेलिस्ट होगी है, इसको आप जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कम्प्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एसे और ट्रांसलेशन दोनों के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर 100+ टॉपिक्स आपको एसे के भी मिल जाएंगे और लेटर्स भी अलग से आपको इसमें मिल जाएंगे, तो अलग से आपको यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ ही मिल जाएंगी, दोनों चीज़ें बेसिकली एसे और लेटर्स, इनको आप प्रिपेयर कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ट्रांसलेशन के लिए बुक मिल जाएगी जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कराई गई है। 50+ जो है यहाँ पर ट्रांसलेशन की एक्सरसाइजेज हैं इस बुक में, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और 100+ एसेज आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओगे। लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक दिए जाएंगे आपको यहाँ पर, और विद इन वर्ल्ड लिमिट्स सारे टॉपिक्स कराए गए हैं आपको यहाँ पे। लोएस्ट कॉस्ट में बुक्स आपको मिल जाएंगी, एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डिस्काउंटेड रेट्स पर इन बुक्स को आप ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को, लेट स्टार्ट। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कैसे इस टॉपिक को आप लिखोगे ये देख लेते हैं। तो शुरुआत आप यहाँ पे कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताते हुए कि ये होता क्या है। राइट, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर्स टू द इंटेलिजेंस ऑफ मशीन्स दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द नेचुरल इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक इंटेलिजेंस है जो कि मशीन्स के द्वारा कंट्रोल्ड होती है, जो कि नेचुरल इंटेलिजेंस और ह्यूमन या फिर एनिमल से बिल्कुल अलग होती है। राइट, विद द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी नाउ विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस सच एज लर्निंग, प्लानिंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। राइट, तो यहाँ पे दोस्तों आप बता सकते हो कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करी है, वैसे वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी ग्रोथ हुई है। जैसे कि मशीन जो है अलग अलग तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने लगी हैं, चाहे वो लर्निंग हो, प्लानिंग हो, रीजनिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। राइट, तो यहाँ पे इस तरह से इसको आप यहाँ पे इलैबोरेट कर सकते हो। इन शॉर्ट वी कैन से दैट द एबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर और अ मशीन टू ऑपरेट एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक अ ह्यूमन बींग इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आप इधर इन अदर वे भी लिख सकते हो कि जो एबिलिटी होती है कंप्यूटर की या मशीन की, किस जिसको जो इन्फॉर्मेशन को किसी ह्यूमन माइंड की तरह ऑपरेट करे, इसको ही हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। राइट, इट कैन एनालाइज, लर्न, एनालाइज एंड अडॉप्ट टू न्यू इन्फॉर्मेशन। राइट, यानी कि इसके द्वारा क्या है कि चीज़ें सीखी जा सकती हैं, एनालाइज की जा सकती हैं और न्यू इन्फॉर्मेशन को भी अडेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरह से शुरुआत आप कर सकते हो इंट्रोडक्शन में, बेस्ट तरीके से यहाँ पे आप इलैबोरेट कर सकते हो इस टॉपिक को। राइट, आगे दोस्तों बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। अब यहाँ पे कैसे आप इलैबोरेट करोगे देख लेते हैं। टुडे वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ मशीन्स, यानी कि हम इस समय जो इस एरा में है वो मशीन्स का एरा है। वी डिपेंड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़, यानी हमारी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उस पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई मशीन जो है हमारा, हम उससे हेल्प ले रहे होते हैं, यानी कि हम कहीं ना कहीं डिपेंड होते हैं मशीनों पर। राइट, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू यूज़ AC, माइक्रोवेव्स, कैमराज, कंप्यूटर, ट्रैफिक लाइट, फ्रिज एक्सेट्रा दैट वर्क्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, एग्जाम्पल में आप बता सकते हो चाहे वो AC हो, माइक्रोवेव हो, कैमराज हो, कंप्यूटर हो, ट्रैफिक लाइट हो, फ्रिज हो, ये सभी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे ही वर्क करते हैं। राइट, तो इस तरह से यहाँ पे आप इसको बेस्ट तरीके से बता सकते हो और लिख सकते हो। राइट, आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। AI is making human lazy as it usually automate the most of our task. यानी artificial intelligence की वजह से क्या है कि जो human beings है वो lazy होते जा रहे हैं। right? क्योंकि जो हमारा काम है, जो हमारा task है, वो automate हो जाता है और हमें कुछ करना नहीं पड़ता। right? Humans tend to get addicted to these machines which can cause a problem to future generations too. ठीक है, यानी जो humans हैं वो इन मशीनों से इतना ज़्यादा addict हो चुके हैं, इनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं फ्यूचर जनरेशन्स को भी। राइट, तो इस वजह से यहाँ पे आप इसके डिफेक्ट्स भी बता सकते हो कि जो AI है उसकी वजह से जो है ह्यूमन लाइफ कितनी ज़्यादा जो है इम्पैक्ट हो सकती है।
मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लुकिंग टू रिप्लेस द मिनिमम क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स विद एआई रोबोट्स विच कैन डू सिमिलर टास्क विद मोर एफिशिएंसी, राइट। मतलब ऐसा भी देखा गया है कि ज़्यादातर जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, जो मिनिमम क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स हैं उनको रिप्लेस कर रही हैं एआई रोबोट्स से, ठीक है, जो कि सिमिलर टास्क को और भी ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकें, और भी बेहतर तरीके से कर सकें, राइट। तो इस तरह से जो है चलन क्या है इसका, वो भी यहाँ पे आप बता सकते हो, एआई का काफ़ी ज़्यादा जो है स्कोप बढ़ गया है, राइट। आगे दोस्तों मूव करते हैं। देर इज़ नो डाउट दैट मशीन्स आर मच बेटर एंड वर्क एफिशिएंटली, बट दे कैन नॉट रिप्लेस अ ह्यूमन कनेक्शन दैट मेक्स अ टीम, ठीक है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो मशीन्स हैं वो बेटर हैं, ये बिल्कुल सही है, और एफिशिएंट भी है, लेकिन उनको जो है ह्यूमन कनेक्शन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ह्यूमन कनेक्शन से क्या बनती है, टीम बनती है, और टीम से टीम वर्क होता है, राइट। मशीन्स कैन नॉट डेवलप अ बॉन्ड विथ ह्यूमन्स विच इज़ एन एसेंशियल एट्रीब्यूट फॉर टीम मैनेजमेंट, ठीक है। यानी मशीन्स जो है वो एक तरह से कोई बॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकती, और इसकी वजह से ही क्या है, जो टीम मैनेजमेंट है उतना बेहतर नहीं होगा जितना कि ह्यूमन्स कर सकते हैं, राइट। मशीन्स कैन परफॉर्म ओनली दोज टास्क विच दे आर डिजाइन टू डू, एनीथिंग आउट ऑफ दैट दे टेंड टू गिव इररेलीवेंट आउटपुट विच कुड बी अ मेजर ड्रॉबैक, ठीक है। अब देखो मशीन्स क्या है, लिमिट, जिनको उनका जो काम है वो लिमिटेड है, ठीक है। यानी जो भी टास्क जिस परफॉर्म के लिए, जिस काम के लिए उनको बनाया गया है, केवल वही काम कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, राइट। तो उसके अलावा अगर कोई काम उनको दिया जाता है करने के लिए, उसका आउटपुट जो है इररेलीवेंट होगा, जो कि एक बड़ा ड्रॉबैक है एआई का, राइट। इन द हैंड्स ऑफ रॉन्ग पर्सन, ऑटोनोमस वेपन्स दैट आर डिजाइन टू किल कुड ईजिली यूज मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर किसी रॉन्ग पर्सन के हैंड्स में एआई यूज में आ जाए, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ऑटोनोमस वेपन्स हैं उनको इस तरह से डिजाइन किया है कि वो काफ़ी हद तक डिस्ट्रक्शन मचा सकते हैं। एआई विल बी एक्सट्रीमली गुड एट अकॉम्प्लिश इट्स गोल्स, एंड इफ दिस गोल्स आर एंड डिजाइंड अकॉर्डिंग टू आवर बेनिफिट, देन इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम एज देर इज़ नो इमोशन इन एआई बेस्ड मशीन्स, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप बता सकते हो कि एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये बहुत ही अच्छी है अपने गोल्स को कंप्लीट करने में, अपने गोल्स को जो अचीव करने में, लेकिन अगर ये गोल्स जो होते हैं ये अगर प्रॉपर नहीं है, तो इसकी वजह से बिग प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि एआई जो है, एआई बेस्ड मशीनों के पास इमोशंस नहीं होते, ठीक है। उनको जो भी काम दिया जाएगा वो वही करेंगे, उनके अंदर सही और गलत को समझने की यहाँ पे शक्ति नहीं होती है, राइट। तो ये भी एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका। एआई इज एबिलिटी टू मोनिटर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रॉम सर्वेलेंस डेटा, कैमराज एंड नेटवर्क कम्युनिकेशन हैज़ ग्रेट पोटेंशियल फॉर गुड एंड फॉर बैड बेस्ड ऑन देयर यूज इट्स यूसेज, ठीक है। यानी जो आप कह सकते हो एआई बेस्ड जो मॉनिटर हैं, जो कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम को मॉनिटर करते हैं, और जो सर्विलेंस डेटा, कैमरा, नेटवर्क कम्युनिकेशन, ये सभी को जो है एक तरह से यूज करके जो है सर्विलेंस का काम करते हैं, तो इनमें जो है काफ़ी हद तक पोटेंशियल है गुड और बैड दोनों के लिए, ठीक है। अगर इनको सही तरीके से यूज़ किया जाता है तो ये इनका गुड पोटेंशियल है, अगर इनको ख़राब तरीके से यूज़ किया जाता है तो इसमें डिस्ट्रक्शन का भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पे दोस्तों आप बता सकते हो उसके बारे में। इसके बाद देखो, एवरी न्यू इन्वेंशन हैज़ सम पॉजिटिव एंड निगेटिव एस्पेक्ट्स, बट वी शुड यूज़ द पॉजिटिव साइड्स ऑफ द इन्वेंशन टू क्रिएट अ बेटर वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि हर कोई जो भी इन्वेंशन होता है उसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होते हैं, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसके पॉजिटिव साइड्स को, पॉजिटिव इंपैक्ट को ही देखना चाहिए, और उससे अपने लाइफ को, अपनी वर्ल्ड को बेटर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन सिविलाइजेशन, इट गोज इन टू अ रॉन्ग हैंड्स, क्योंकि ऐसा है कि आर्टिफिशियल अगर इंटेलिजेंस जो है वो क्या कर सकती है, ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म कर सकती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है अगर रॉन्ग हैंड्स में आ जाए तो। बट स्टिल नन ऑफ द एआई एप्लीकेशंस मेड दैट कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमैनिटी फ्रॉम अर्थ, ठीक है। यानी लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बनाया गया, एआई बेस्ड एप्लीकेशन नहीं बनाई गई जिससे कि ह्यूमैनिटी खतरे में पड़े, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको बेस्ट तरीके से लिख सकते हो, बेस्ट तरीके से जो है यहाँ पे इलेबरेट कर सकते हो, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसको कैसे लिखना है, किस तरह से इस टॉपिक को आप लिख सकते हो बेस्ट तरीके से, और विद इन वर्ड लिमिट कैसे आपको लिखना है, राइट। तो इसी तरह से आप इसको लिखिए बेस्ट तरीके से, प्रैक्टिस करते जाइए, और इसी तरह से आप जो है इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, उस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी।
राइट। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, और कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा इस वीडियो को, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।